हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा और 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ जितने आंसर आप बता पाते हैं 30 में से उनका आंसर भी साथ ही साथ देते हुए चलिएगा। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है इस टेस्ट की, तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी सर्च करके, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप टॉपिक स्टडी को सर्च करके फॉलो कर सकते हैं ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम रहती है आप वहां पे पूछ सके। और अगर आप चाहते हैं डेली आपको ऑनलाइन टेस्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को, और मैं आशा करता हूं कि आपको टेस्ट जरूर पसंद आएगा। कल कुछ बच्चों ने यहां पे फीडबैक दिया था कि थोड़ा सा टाइम दिया करें क्वेश्चन के बीच में, तो आज मैं 5 से ज़्यादा सेकंड दूंगा, 6-7 सेकंड दूंगा हर एक क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। अगर आपको टेस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर आपको कुछ भी चेंज कराना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं इस टेस्ट को उसी तरीके से चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ टाइप करते रहिए प्लीज। बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर Cu, एल्युमिनियम Al, सिल्वर Ag, आयरन Fe धातुओं में से विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु कौन सी है। बिल्कुल सही ऑप्शन डी अगर आप यहां पे लगा रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, धातुओं को पतले तारों में खींचने की अक्षमता को क्या कहते हैं। बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहां पे सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है। तो बहुत ही आसान सा है। बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहां पे ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ तत्व जैसे Al, Zn, Pb, Be, ऑक्सीजन, O2 से क्रिया करके ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं, इन ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है। बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहां पे सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहां पे डी लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांद्रीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सांद्रीय नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3:1 अनुपात में मिलाने पर निर्मित मिश्रण की प्रकृति कैसी होती है। 8 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीशियम Mn से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है। तो 9 का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे पारा ऑप्शन में नहीं है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, ठीक है, कमरे के तापमान पे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो आपको ब्रोमीन राइट आंसर लगाना है। अगर यहाँ पे पारा होगा तो ब्रोमीन नहीं दिया होगा, अगर ब्रोमीन होगा तो पारा नहीं दिया होगा, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका आ जाता है, धातुओं के घनत्व सामान्य कम होते हैं, किस धातु का घनत्व बहुत सी धातुओं की उपेक्षा अधिक होता है। तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहां पे ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का चालन करता है।
12वें का बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन यहां पे सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठोस धातुओं को पीटने पर ये चादर में परिवर्तित नहीं होते हैं, यह किस प्रवृत्ति की होती है? बिल्कुल सही अगर आप यहां पे 13 का ए लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक धातु का नाम लिखिए जिसमें चमक होती है। बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उपधातु किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है? तो बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहां पे डी लगा रहे हैं, धातु के, अधातु के, उपधातु के, सभी के। ठीक है, अमलगम क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जर्मन सिल्वर का संगठन क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पहले भी आपके एग्जाम में, तो 17 का राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, धातुओं के किस भौतिक गुण के कारण इन्हें मंदिरों या विद्यालयों में घंटी को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम Na को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन यहां पे ए लगा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, धातुओं की वायु से क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहां पे बी लगा रहे हैं। अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो बिल्कुल यहां पे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किन अम्लों के मिश्रण को प्लेटिनियम पीटी धातु को गलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं? बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसी कौन सी धातु है जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता? बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं, तो ए और सी दोनों बिल्कुल धातु ऐसी हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी अधिक क्रियाशील धातु को उसे कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन में डालते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है? बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहाँ पे ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, खाद्य डिब्बों को टिन से लेपित किया जाता है किंतु जस्ते से नहीं, क्यों? बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहां पे ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चांदी के बर्तन कुछ समय पश्चात किसके बनने के कारण काले पड़ जाते हैं? बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहां पे ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लोहे के एक अयस्क का नाम बताएं। बिल्कुल सही है यहां पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 27, एसिटिलीन वेल्डिंग में एसिटिलीन के साथ किस गैस का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही अगर आप 27 का ऑप्शन बी लगा रहे हैं। 28 किस धातु का निष्कर्षण स्वयं अपचयन द्वारा होता है?
बिल्कुल सही अगर आप 28 का ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, धातुओं के विद्युत परिशोधन में अशुद्ध धातु को एनोइड तथा शुद्ध धातु की पत्ती को कैथोड बनाया जाता है, यह विद्युत किस धातु के लिए उपयोगी है? बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहां पे बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जब अशुद्धियां एस्क से भरी हो तो एस्कों के संधारण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहां पे डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कॉपर मैट किसे कहते हैं? बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन यहां पे डी लगा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों राइट रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 32, सल्फाइड एस्को के संदर्भ में प्रयुक्त विधि का नाम बताएं। बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एस्बेस्टस किसका एस्क है? तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं। तो दोस्तों आज के टेस्ट में थे ये 33 क्वेश्चन। अगर आपने ये लगा लिए हैं तो देखें यहाँ पे मैंने इनके आंसर भी प्रोवाइड करा दिए हैं। इसकी PDF अभी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा टॉपिक स्टडी तो आपको मिल जाएगा। तो इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा आपको दिखेगा टेलीग्राम का जो इंटरफेस है, और वहाँ पे देखिए आपको डेली रीजनिंग की, ऑनलाइन टेस्ट की सारी PDF मिल जाती है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा, कैसा आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो कैसी रहनी चाहिए, वो सब कुछ मैं देखता हूँ कमेंट में, एक एक कमेंट को देखता हूँ। और आपका स्कोर क्या रहा है वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए टेस्ट में, कल फिर मिलेंगे अच्छे से क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।